दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो उसकी एंट्री क्रेडिट और डेबिट कैसे होगी। इसके अलावा और एंट्री एक और हमने जानी थी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नगद और उधार को हम कैसे पहचानेंगे और इसके अलावा कुछ और जनरल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो यहां हम जानने वाले हैं नगद और उधार को आप कैसे पहचानेंगे और कैसे उसकी एंट्री करेंगे। आज नगद कल उधार। हेलो, मैं हूं शर्मा और मैंने एक जनरल स्टोर खोला है जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूं। अकाउंटिंग का बेसिक भी सीख लिया है, लेकिन ये नगद और उधार माल की एंट्री कैसे करनी है समझ में नहीं आ रहा है। तो शर्मा जी, आपने बोर्ड तो बहुत अच्छा लगवाया है आज नगद कल उधार का, लेकिन एंट्री कैसे करनी है, कैसे समझना है कौन सा नगद होगा कौन सा उधार होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं नगद एंट्री और उधार एंट्री में क्या अंतर होता है। आप जब माल खरीदते हैं किसी से तो या तो नगद खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं, लेकिन जो एंट्री है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। बस उसको देख के समझना होता है कि उधार है या नगद है। तो यहाँ पर हम आपको दो एंट्री दिखा रहे हैं, एक तो गुप्ता जी से माल खरीदा या बेचा और दूसरी जो एंट्री है वहाँ लिखा है माल खरीदा या बेचा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एंट्री नगद की है और कौन सी एंट्री सेल की है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर माल खरीदने वाले का नाम लिखा हो और यह नहीं लिखा हो कि नगद है या उधार है, तो उसे हमेशा उधार ही खरीदा या बेचा समझा जाएगा। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर नाम तो लिखा है गुप्ता जी से माल खरीदा या गुप्ता जी को माल बेचा, लेकिन ये नहीं लिखा है कि नगद बेचा या उधार बेचा, नगद खरीदा या उधार खरीदा, तो ये जो एंट्री है वो उधार में ही समझी जाएगी। यहाँ पर दूसरी जगह लिखा हुआ है माल खरीदा या माल बेचा, और जब माल खरीदने वाले का नाम ना लिखा हो तो समझा जाएगा कि माल नगद खरीदा गया है या नगद बेचा गया है। सिंपल इतना सा मेथड है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि उधार एंट्री और नगद एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से दो खाते प्रभावित होंगे, एक गुप्ता जी का और एक जो 15,000 रुपये का माल खरीदा है वो। अब माल खरीदना क्या है, ये माल जो हम खरीद रहे हैं ये बेचने के लिए खरीद रहे हैं। पिछली बार जो हमने बिल्डिंग खरीदी थी ना, वो बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, वो हमारा एसेट्स था। ये जो हम खरीदारी कर रहे हैं ये हमारा एक्सपेंस है, जो हम परचेज कर रहे हैं ये माल खरीदने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गुप्ता जी हैं वो एक रियल पर्सन है। दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। अब जो रियल पर्सन का अकाउंट होता है वो आता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, और जो एक्सपेंस का अकाउंट होता है यानी जो खर्चे होते हैं वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। अब देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट में जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। अब वो रूल्स कहते हैं डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो गुप्ता जी आपको कुछ दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो आएगी क्रेडिट द गिवर। अब ये जो अकाउंट है क्रेडिट किया जाएगा। अब इसके बाद दूसरी एंट्री देख लेते हैं, जो एक्सपेंस है वो 15,000 रुपये का है और जो कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अभी ये क्या हुआ, जो एक्सपेंस है वो हमेशा डेबिट होगा, तो यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंस के हिसाब से हम इसको डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर अगली एंट्री है माल खरीदा, तो जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है वहाँ पर वो एंट्री नगद समझी जाएगी। और नगद एंट्री के लिए आप पैसा कहाँ से देंगे, अपने कैश अकाउंट से देंगे। तो यहाँ पर हमने 15,000 रुपये का माल खरीदा है, नीचे इसके रूल्स भी आ गए। तो यहाँ पर 15,000 रुपये का माल हमने खरीदा है, खरीदारी क्या है, एक परचेज है जो कि एक्सपेंस के अंतर्गत आती है, और सारे एक्सपेंस और लॉसेज आपके कौन से अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। और जो कैश अकाउंट है, क्योंकि कैश जाएगा जब आप कुछ खरीदेंगे, तो वो कौन से अकाउंट के अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों अकाउंट प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले रियल अकाउंट के रूल्स जान लेते हैं। तो रियल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब चूंकि ये एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा,
और यहाँ पर हम इसको डेबिट लिखेंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि उधार और नकद की एंट्री कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट और डेबिट होते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।